सो एक्चुअली भाई आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो लास्ट तक देखते रहना। और पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो भाई वहाँ पर मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताया, अगर आपने नहीं देखा तो भाई मैं आपको रिकमेंड करूंगा, ज़रूर देखना, आई बटन पर लिंक है, तो ये वीडियो देखने के बाद देख लेना। ऑल राइट, तो और मेरे भाई क्या हाल चल रहा है, अब से एकदम होंगे फर्स्ट क्लास। भाई देखो, अगर आप यूट्यूब पर काम करते हो, एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा, कभी ना कभी देखो कोई एक क्रिएटर जो वाइंस वीडियो बनाता है, कॉमेडी वीडियो बनाता है, जो हफ्ते में एक वीडियो या फिर दो वीडियो अपलोड करता है, तो भाई देखना अगर उसका एक 1 मिलियन सब्सक्राइबर होगा तो भाई देखना वो अगर एक वीडियो अपलोड करता है तो घंटों के अंदर भाई 200 के 300 के, ये नॉर्मल बात है भाई, वो क्रॉस कर लेता है बहुत ही आसानी से, ठीक है। उसके साथ ही साथ अगर मैं उस वीडियो का भाई 2 दिन या फिर 3 दिन का भाई एवरेज व्यू की बात करूँ तो ईजिली भाई उसका जितना सब्सक्राइबर है उससे ज़्यादा भाई व्यूज़ आ जाते हैं। बट उसी जगह भाई अगर मैं एक 1 मिलियन सब्सक्राइबर वाला कोई टेक चैनल या फिर एडिटिंग चैनल की बात करूँ, सो वो अगर वीडियो अपलोड करता है तो भाई मुश्किल से मुश्किल भाई 10K क्रॉस होता है एक घंटे के अंदर, अगर वो थोड़ा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करेगा तो। और अगर मैं 2-3 दिन की बात करूँ तो भाई मुश्किल से मुश्किल 50,000 क्रॉस होता है, ठीक है, अगर उसका कंटेंट अच्छा रहा तो। और कंटेंट भाई अगर एवरेज हो तो भाई मुश्किल से 20,000-10,000 क्रॉस होते हैं, वो भी नहीं क्रॉस होते, ऐसे बहुत क्रिएटर मैंने देखे, ठीक है। सो ऐसा होता क्यों है, और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ आपको इंपॉर्टेंट बताऊँगा, जब भी आप वीडियो अपलोड करते हो, ठीक है, आपका जो भी चैनल है वीडियो अपलोड करते टाइम ये ज़रूर करना, और ये बहुत सारे लोग ऐसा नहीं करते, इससे भाई यार कहीं ना कहीं वीडियो पर व्यूज़ कम आते हैं। सो वीडियो लास्ट तक देखते रहना, आपको पता चल जाएगा। सबसे पहली चीज़ बता दूँ, देखो जो बिग क्रिएटर्स है वो अगर वीडियो अपलोड करते तो वीडियो अपलोड करने के बाद, एक वीडियो अपलोड करने के बाद, ज़्यादातर ऐसे क्रिएटर्स है जो भाई वो डेली अपलोड तो नहीं करते, हफ्ते में एक वीडियो या फिर दो वीडियो अपलोड करते हैं, उनका भाई क्या होता है कि भाई ऑडियंस जो है वो ऑडियंस रिटेंशन बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक भाई। आप एक बार खुद सोच के देखना, देखो कोई भी अगर आप कॉमेडी या फिर वाइंस वीडियो ले लो, उस वीडियो के बाद अगर आप क्लिक करते हो तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, अगर 10 मिनट का वीडियो है तो अगर कम मैं आपको बताऊँ तो भाई 5 मिनट तो आप वीडियो ज़रूर देखते होंगे, ठीक है। इससे भाई ऑडियंस रिटेंशन उनका बहुत ही अच्छा हो जाता है, इसी कारण भाई यूट्यूब बार बार रिकमेंड पर उनका वीडियोज़ लाता रहता है उस ऑडियंस के सामने, जिस ऑडियंस ने एक बार उसका वीडियो देख लिया, ठीक है। इससे भाई उनका व्यूज़ बहुत ही आ जाता है, उनका नोटिफिकेशन जाए या फिर ना जाए भाई एक घंटे के अंदर अगर नोटिफिकेशन से तो भाई कुछ व्यूज आ जाते हैं, बट उसके साथ ही साथ भाई यूट्यूब रिकमेंड पर वीडियो उनका जल्दी डाल देता है, ठीक है। सो भाई देखो, कुछ क्रिएटर्स ऐसे हैं जिनका 1 मिलियन सब्सक्राइबर है मान लो, लेकिन उनका वीडियो अपलोड करने का भाई 3-4 दिन के बाद 2-3 मिलियन ईजिली क्रॉस हो जाते हैं। वो क्रॉस कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो यूट्यूब इंप्रेशन बहुत ज़्यादा देता है सभी चैनल्स का, ठीक है। अगर मैं भी अगर एक वीडियो अपलोड करूँ, यह वाला वीडियो का भी इंप्रेशन बहुत ज़्यादा रहेगा, बट लोग क्लिक करते हैं, ठीक है, हमारे टाइप की वीडियोस पर। बट उसी जगह अगर मैं वाइंस वगैरह की बात करूं तो आप भी देखना भाई, अगर कोई वाइंस वीडियो अपलोड करता है तो उस पर क्लिक आप जल्दी करते हो, ठीक है, तो उनका इंप्रेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है, लोग क्लिक ज्यादा करते हैं, तो उसी कारण भाई उनका व्यूज ज्यादा आता है, ठीक है, सब्सक्राइबर्स से। सो भाई अब यहाँ पर एक चीज तो आप समझ गए होंगे कि भाई आपको काम किस चीज के ऊपर करना चाहिए, आपको करना चाहिए भाई काम उसके ऊपर कि ऑडियंस आपका, मान लो आप कोई 10 मिनट का एक वीडियो अपलोड कर रहे हो तो ऑडियंस भाई कम से कम 3-4 मिनट आपका वीडियो जरूर देखे, या फिर 2-3 मिनट तो जरूर देखे आपका वीडियो। अगर 2-3 मिनट भी नहीं देख रहे तो भाई यार आपका वीडियो क्या ही बना रहे हो आप, ठीक है। सो आपको उस चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए जिससे भाई आपका ऑडियंस ज़्यादातर टाइम आपका वीडियो को पूरा देख के जाए, या फिर कम से कम भाई पूरा तो नहीं देखते बट कम से कम हाफ जरूर देख के जाए, ठीक है। सो ऑडियंस रिटेंशन आपको अच्छा बनाना पड़ेगा, तब जाके आपके वीडियो पर व्यूज ज्यादा आएंगे, क्योंकि इंप्रेशन वैसे भी यूट्यूब सेंड कर देगा, बट अगर कोई बंदा क्लिक करके छोड़ के चला जाए तो इंप्रेशन बाद में यूट्यूब इंप्रेशन देने से भी काम नहीं चलेगा, ठीक है। सो देन अब यहाँ पर बात करते हैं दूसरा पॉइंट की, जो मैं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर दिखाना चाहूँगा, जब भी आप कोई वीडियो अपलोड करते हो मैं जैसे आपको बताऊँगा वैसे ही अपलोड करना, तब देखना भाई कुछ ना कुछ भाई फ़ायदा होगा। अगर आपका 10 सब्सक्राइबर है, कम से कम 5 सब्सक्राइबर के पास आपका नोटिफिकेशन ज़रूर जाएगा, या फिर आपका वीडियो अपलोड करते टाइम में ज़रूर देखेंगे, ठीक है, कम से कम अगर मैं आपको बताऊं। सो अब भाई यहाँ पर आप मेरे सामने देख सकते हो, मेरा दोनों फ़ोन है, एक फ़ोन पर मैंने अभी एक वीडियो अपलोड किया है। अब ये वाला भाई वीडियो मैंने काफ़ी दिन पहले रिकॉर्ड किया था बट टाइम नहीं मिल रहा था, इसी कारण यहाँ पर भाई वीडियो शूट करने में लेट हो गया। एनीवेज अभी यहाँ पर देख सकते हो मैंने रिफ्रेश किया, सो ये वाला वीडियो अभी अनलिस्टेड है, ठीक है, और लगभग मैंने यहाँ पर 5 मिनट से भाई अनलिस्टेड किया हुआ है, 5 मिनट हो गए अनलिस्टेड किए हुए। सो अभी यहाँ पर फिलहाल मैं जो चीज़ आपको दिखाने जा रहा हूँ आप ध्यान से समझना। सो अभी आप देखना भाई मैं यहाँ पर इस
वीडियो को पब्लिक करूंगा और मेरा जो दूसरा फोन है उस फोन पर भाई इंस्टेंटली नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो अभी यहाँ पर भाई वीडियो पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैंने पब्लिक पर क्लिक किया और मैंने यहाँ पर अपने वीडियो को पब्लिश कर दिया, आप देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर मेरा जो दूसरा फोन है उस पर आपको नोटिफिकेशन भाई देखना कुछ ही सेकंड के अंदर। सो भाई देख सकते हो नोटिफिकेशन आ चुका है, एकदम इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपके सामने यहाँ पर देख सकते हो क्योंकि उस चैनल पर सब्सक्राइब किया हुआ था। सो अब यहाँ पर इस चीज से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि भाई जब भी आप वीडियो अपलोड करो, वीडियो अपलोड करने से 5 मिनट 10 मिनट पहले आपको भाई अपना वीडियो को अनलिस्टेड करके रखना है। ठीक है, इससे क्या होता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों तक नोटिफिकेशन जाता है। मैंने जहां तक देखा है जिन्होंने बेल नोटिफिकेशन प्रेस किया हुआ रहता है, कभी कभी यूट्यूब उन्हें सेंड नहीं करता, तो इस चीज से भाई सेंड होता है। ऑलराइट, तो भाई आज से अपने चैनल पर यही 2 पॉइंट इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो। होप आपको अच्छा रिजल्ट अपने चैनल पर देखने को मिले और भाई जितना मेहनत करोगे ना भाई चैनल ग्रो होने में टाइम नहीं लगता, मेहनत करो और ऐसी भाई ट्रिक्स वगैरह जहां से भी जो मिलता है भाई आप इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, क्योंकि भाई स्टार्टिंग में ये सारा चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। छोटा छोटा चीज़ अगर आप चेंजेस करोगे अपने वीडियोस पर, नए नए अप्लाई करोगे तो आपको अच्छा अच्छा भाई रिजल्ट देखने का चांसेस रहेगा। ठीक है, सो वही बताना चाहता हूँ भाई, काम करो अपने चैनल पर, मेहनत लगा के काम करो। और यहाँ पर अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर सकते हो। और यहाँ पर मुझे पता है भाई एडिटिंग का सीरीज बहुत लेट हो रहा है, अब देखो यार काफ़ी पार्ट्स बना चुका हूँ एडिटिंग का और इसी कारण यहाँ पर नए नए पार्ट्स ढूंढना भाई काफ़ी मुश्किल होता है। सो होप आपको बहुत जल्दी आपको एक सीरीज एडिटिंग का देखने को मिल जाए। सो भाई मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड